अब आपको फॉर्म फिल करना है, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप टीचर ऑफ क्लास 1 से 5 तक यानी कि पेपर 1 के लिए, जिसको हम बोलते हैं पीआरटी प्राइमरी टीचर, उसके लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या होनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन। एप्लीकेंट्स फॉर दिस कैटेगरी शुड हैव पास्ड इन सीनियर सेकेंडरी or its equivalent with 45% marks with a 2-year diploma in elementary education। आपने क्या है कि सीनियर सेकेंडरी हो आपके पास 45% मार्क्स के साथ, उसके साथ आपका या तो 2 ईयर डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपकी 4 ईयर की BL एड है, या 2 ईयर का डिप्लोमा है इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री 50% मार्क्स एंड बीएड क्वालिफिकेशन है और ग्रेजुएशन या पास्ट और अपियरिंग है फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो अभी आप ये पीआरटी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम टीचर ऑफ क्लास 6 और 8 के लिए यानी कि पेपर 2, जिसको हम बोलते हैं टीजीटी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एप्लीकेंट फॉर दिस कैटेगरी शुड हैव ए बैचलर डिग्री। सबसे पहले तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीएससी, बीए, बीकॉम ये, और उसके साथ आपका 2 ईयर का या तो डीएड हो, बीएड हो, या फिर 4 साल की आपकी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो बीएलएड, या फिर 4 साल का आपका बीए, बीएससी एड और बीएड और बीएससी एड हो, या बीएड हो आपकी स्पेशल एजुकेशन विद 50% मार्क्स इन बीए और बीएससी बोथ अपीयरिंग एंड पास कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। अब बात करते हैं अगर आपको लेक्चरर्स के लिए 11th और 12th के लिए यानी कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप फिल कर रहे हैं, तो एप्लीकेंट्स फॉर दिस कैटेगरी शुड पोजेस द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सबसे पहले कंसर्न सब्जेक्ट में, और कंसर्न सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होंगे 50% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या ये एग्जाम पासिंग मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स है, तो बिल्कुल ये सीटेट एग्जाम की तरह, सीटेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसकी तरह ही एसटेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पासिंग मार्क्स है। तो इसमें आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल एग्जाम होता है आपका 150 मार्क्स का यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होता है। उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मार्क्स चाहिए 60% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स आपको चाहिए आउट ऑफ 150। 150 में से 90 नंबर आपको लेने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। एससी या पीएच है, हरियाणा डोमिसाइल है आपके पास और एससी कैटेगरी से या पीएच कैटेगरी से हैं, तो आपको लेने हैं 55% मार्क्स यानी कि बीएससी नंबर आपको लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए। एससी या पीएच ऑफ अदर स्टेट्स हैं, आप हरियाणा से आउट ऑफ हरियाणा है किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको लेने हैं 60% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स आपको लेने हैं, तो आपका ये एसटेट क्वालिफाई माना जाएगा। तो सिंपल है, अगर आप हरियाणा के हैं और एससी पीएचसी हैं तो आपके 55% मार्क्स आपको लेने हैं यानी कि 82 नंबर। अदर जो भी कैटेगरीज है या आउटसाइड हरियाणा है उनको 60% मार्क्स यानी कि 90 नंबर लेने हैं।